ओम श्री देव्य धर्मशीर्षम ओम सर्वे वै देवा देवी पदस्तु काशी तुम महादेवी की। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? साब्रवीत, उसने कहा, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहम आनंदानंदौ अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणे वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अग्निम जगत। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा जगत दृश्य मेरे में ही समाया हुआ है। वेदोऽहम अवेदोऽहम विद्याहम विद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्ध्वं त्रयोजाहम। वेद और अवेद भी मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं हूँ, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल सब जगह मैं ही हूँ। अहम रुद्रे वसु विश्चान अहम आदित्यैर विश्वदेवैर अहम इत्रावरुणाभो विभ्रमि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनावहो अहम सोमं पुष्टारं दूषणं भगं दधानि अहम विष्णु भूक्रमं ब्रह्मान् प्रजापतिं दधामि। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूपों में क्रिया करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम पुष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणं भविष्मते सुप्राप्य यजमानाय सुमते अहम राष्ट्रे संगमने वसूनां चिकित्सु प्रतिमा यज्ञानां अहम सुमे पितरमस्य मूर्धन्मं योनिरप्सन्ता समुद्रे या एवं वेद सदैवं संपन्नावनोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाले ब्रह्मरूप और यज्ञार्थों में यानी यज्ञ करने योग्य देवों में मुख्य। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ, मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है, जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ प्राप्त होता है। ते देवा अभ्रुवं नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः आसंता। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़ों बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है, गुण साम्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ताम अग्निवर्णां तपसा जनन्ति वैरोचनी करम फलेषु तुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यां महेश्वरां नाशयित्वै ते नमः। देवीं वाचमजनन्त देवास्त्वां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानौ मंद्रे सूर्यं दुहाना धेनुर्वाक्ष्मान् सुष्टुतैः कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी शिखण्डमातरां सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवम्। उन अग्नि के से वरण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। प्राण देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेद द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी धीमहे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदिति यजनिष्ठ दक्षया धृता तव काम देवा अन्वजायन्ति भक्ता मृत बंधवः कामयोनिः कमलावज्रपाणि दुहासा मातृस्वा भविन्दः मृगुहा सकला माया चिपुरुच्चैषा विश्वमाता विद्यौ। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं, वह देवी हमें उस विषय में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रह कल्याण देव उत्पन्न हुए। काम योनि कमला वज्रपाणी गुहा वरण मातृस्वा अग्र इंद्र पुनः गुहा वरण और माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मस्वरूपिणी है। एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाणा एषा श्री महाविद्या या एवं वेद स शोकम करति नमस्ते अस्तु भगवती मातस्मान पारिशादः सही शास्त्रो वसवः सही एकादश रुद्रः सही द्वादशादित्यः सही विश्वदेवः सोमपा
असोमपाश्च सैषा यातुधानासुरा रक्षांसी पिशाचा यक्षा सिद्धा सैषाः सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतिङ्कमलमः सैषा गृहनक्षत्रज्योतींसि कलापाष्टादिकालरूपिणी तामहं प्रणमामि नित्यम्। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पाश अंकुश धनु और बाण धारण करने वाली है, ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती तुम्हें नमस्कार है, हे माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र त्रस्ता ऋषि कहते हैं वही अष्टवसु है, वही एकादश पुत्र है, वही द्वादश आदित्य, वही सोमपान करने वाले और न करने वाले विष्णुदेव, वही ये यादुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज और तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु, वही ये ग्रह नक्षत्र तारे तथा वही कला काष्ठा आदि काल रूपिणी। पापहारिणी देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंतां विजयां शुभां शरण्यां शिवराम शिवां वेदिका संयुतं वित्तिहोत्रस्मन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकं एवमेकाक्षं ब्रह्मयद्यः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाङ्गुराशयः वां माया भंग सुसस्तस्मात् कष्टं वक्त्रस्मन्वितं सूर्यो अवां श्रोत बिंदु संयुक्तश्चात्तृतीयकः नारायणेन संविशो वायुश्चाभिरुक्तः विच्छेदवान् पूर्णाश्यानन्ददायकः विपुंडी मध्यस्थां पातः सूर्य समत्प्रभां आशांकृतां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकाम्बुधां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनी महादुःखशमनी महाकारुणरूपिणी। पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजय अनिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी कुल देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। उपरोक्त मंत्रों का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, चंडिके तुम्हें नमस्कार होवे, अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त करो। हे कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वर्त और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महाकर्मा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मेरा नमस्कार। यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जनन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः, यस्या लक्ष्यं न उपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्यः, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजः, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अत एवोच्यते अज्ञेनान्ता लक्ष्यानैका नैवेदिः। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नयिका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका नयिका कहलाती है। मंत्राणां मात्रिका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः पात्रं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवी त्वाचा विघातिनी नमामि भवभृतोऽहं संसारारम्भकारिणी। सब मंत्रों में मात्रिका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ रूप से रहने वाली और ज्ञानों में चिन्मयातीता शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कोई श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञे दुराजानाश और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता। इदम् अथर्वशीर्षम् योग रीते सापंचाधर शीर्ष जप फल मापनोति इदम् अथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति शतलक्षम् प्रजापत्वापि स्वोऽर्चां सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरम् चास्य पुरुषचर्याभिसंहितः। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 बार जप इसकी पुरुष चरण विधि है। दसवारं पठेदस्तु सद्यः पापैः उच्यते महादुर्गाणि इतर्ति महादेव्यः प्रसादतः सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः किञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरी संध्यायां जपत्वा वा सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाशून्यां महादेवी सन्निधो जपत्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति वा एवं भेरिति।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वो शिक्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्यरात्रि में तुल्य संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राण प्रतिष्ठा होती है, भौमाशुनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की संधि में जप करने से महामृत्यु से डर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशी ब्रह्म विद्या है।